75 सालों से जो कुछ हमारे साथ होता रहा है, जिस अंधेरे में हमें रखा, बुजुर्गों हमारी औरतों के साथ जो ज्यादती और दौर में की गई है, ये बात है। ये पाकिस्तान लगता है कि जंगल का कानून उस मुल्क में बन गया है। कोई इज्जत नहीं है, अस्पतालों में हमें धक्के दिए जाते हैं। दुनिया में अपने कौम को मुसलमानों का लोहा बनाएंगे, इस्लाम की इज्जत बनाएंगे, इस्लाम का वकार बनाएंगे। कातिल, जालिम, चोर, तुम औरत, तुम सर्जरियां करवाने वाली औरत, तुम्हारे लिए इतनी बद्दुआएं हैं हमारे पास, इतनी बद्दुआएं। टीपू सुल्तान, हम किस बेशरम डिक्टेटर से नहीं डरते। उनके पास लेके जाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान का हाल क्या बना दिया है। रुस्वा किया गया है, हमारी बहुत बेइज्जती की गई है, हमारी बहनों बहनों के साथ बहुत ज्यादा की गई, हम उसका बदला लेंगे। पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन हो चुका है। वह पाकिस्तान के लोग जो अपनी आर्मी की कसम खाते थे, वही आर्मी पाकिस्तानियों की बैंड बजा रही है। और पाकिस्तान के लोग कैसे चिल्ला रहे हैं दर्द के मारे और अपनी ही सरकार को गालियां दे रहे हैं, चलिए सुनते हैं। महरूमी है, पिछले 75 सालों से जो कुछ हमारे साथ होता रहा है, जिस अंधेरे में हमें रखा गया है, जिस तरह से हमें महरूम किया गया है, हमारे बच्चों बुजुर्गों हमारी औरतों के साथ जो ज्यादती और दौर में की गई है, हमारे चेहरों को दिखा के, हमारे टैलेंट को दिखा के, हमारी धरती को बेचकर, हमारी फिजाओं को बेचकर, हमारी हवाओं को बेचकर, हमारी गैरत को बेचकर, हमारे यकीन को बेचकर, हमारे अखलास को बेचकर, हमारी तवानाई को बेचकर, हमारी इज्जत को बेचकर, हमारी अजमत को बेचकर, हमारे वकार को बेचकर, हमारी हर किस्म की गैरत को बेचकर इन्होंने हमें सारी दुनिया में जलील रुसवा किया है और अपने लिए जायदादें बनाई हैं। और ये बड़े बड़े गोल्फ क्लबों में गोल्फ खेलते हैं, बड़े बड़े स्विमिंग पूलों में नहाते हैं, अपनी औरतों अपने बच्चों को 5-5, 10-10 लाख रुपए की शॉपिंग कराते हैं एक एक टाइम पर। ये सारी दुनिया में टूर करते हैं और इसके बच्चे पहले स्कॉलरशिप ले लेते हैं। अभी 2 साल नहीं होता कॉलेज यूनिवर्सिटी के, इनको स्कॉलरशिप मिल जाता है। और हमारे गरीब के बच्चे एरिया रगड़ रगड़ के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारी औरतों की कोई इज्जत नहीं है, अस्पतालों में हमें धक्के दिए जाते हैं, अदालतों में हमें जलील किया जाता है, थानों कचहरियों में हमारी कोई हैसियत कोई इज्जत नहीं है। आज हम अपनी कौम के लिए सीना सबर होंगे, हम अपनी कौम के लिए सीनों पे गोली खाएंगे, हम अपनी कौम के लिए मरेंगे, हम अपनी कौम के लिए मिटेंगे, हम अपनी कौम के लिए शहादत देंगे, हम इस कौम को शर शब्द शताब बनाएंगे, हम अपनी कौम को सारी दुनिया में पुरचनाज बनाएंगे, पुरवकार बनाएंगे, बाकिरदार बनाएंगे, बाइज्जत बनाएंगे, बाहिमियत बनाएंगे, हम सारी दुनिया में अपने कौम को मुसलमानों का लोहा बनाएंगे, इस्लाम की इज्जत बनाएंगे, इस्लाम का वकार बनाएंगे, इस्लाम की गैरत बनाएंगे, इस्लाम का किला बनाएंगे, हम पूरी दुनिया की क़यादत करेंगे, हम मुसलमानों की क़यादत करेंगे, हम पूरी दुनिया पाकिस्तान को लेकर जाएंगे, हम पूरी दुनिया का लोहा बनेंगे। ये चीजें अब हम इंटरनेशनली इनको लेकर चल रहे हैं, यहाँ की जो एजेंसीज हैं उनके पास हम लेके जाएंगे, इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास लेके जाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान का हाल क्या बना दिया है इन लोगों ने। हम पाकिस्तान गैरत है बड़ी चीज, गैरत है बड़ी चीज, जहाने तकदों में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। गैरत ही इंसान का वकार होती है, गैरत ही उसकी इज्जत होती है, गैरत ही उसकी अहमियत होती है, गैरत ही उसका किरदार होता है और गैरत ही उसको इज्जत दिलाने वाली होती है। गैरतमंद कौम में सारी दुनिया में बापुर शनाज बावकार होकर सारी दुनिया के सामने खड़े होकर बात करती हैं। गैरतमंद लीडर वो होता है जो अपने काम को सोच दे, अपनी कौम को विजन दे, अपनी कौम को फलसफा दे, अपनी कौम को फ्यूचर की प्लानिंग दे और अपनी कौम की नुमाइंदगी एक बहादुर अंदाज में करे, ताकि दुनिया के लोग उस कौम की इज्जत करें कि तुम्हारा लीडर एक बहादुर शख्स है। दुनिया बहादुरों, गैरतमंद और खुददार लोगों की इज्जत करती है, बेशर्मों और जलीलों की कभी नहीं करती। आज हमारी तारीख है, ए जंगल के जानवरों, हम अल्लाह के नबी के गुलाम हैं, हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं, इस जंगल को खाली कर देना, इसके बाद जो सामने आएगा वो मारा जाएगा। तारीख ने, ईसाइयों ने अपनी किताबों में लिखा कि वो जो खलीफा है, वो जो मुसलमानों को खुलफत है, देखा 50,000 आतिश परस्तों ने कि जानवर इंसान तो क्या, जानवर भी इनकी मात मानते हैं। शेर ने अपने बच्चे उठाए, हरन ने अपने बच्चे उठाए, सांप ने अपने बच्चे उठाए, लोमड़ी ने अपने बच्चे उठाए, सारे जानवरों ने अपने अपने बच्चे उठाकर रेवड़ को खाली कर दिया। तो आतिश परस्तों ने 50,000 देखा, हम तो इंसान हैं, जानवर भी इनकी बात मानते हैं, वो इस्लाम में दाखिल हो गए। हमारी तारीख है खालिद बिन वलीद, हमारी तारीख है उमर बिन खत्ताब, हमारी तारीख है उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा, हमारी तारीख है महमूद गजनवी, जलालुद्दीन खारज़म, टीपू सुल्तान। हम किस बेशरम डिक्टेटर से नहीं डरते, हम उसके सामने खड़े होकर गोली खाएंगे और सारी दुनिया को बताएंगे कि देखो हक के साथ लड़ने वाला कैसा होता है और हक की सजा कैसी होती है। हम अपने मुल्क और कौम के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, हम अपने मुल्क और कौम को सारी दुनिया में बावकार बनाएंगे। हमें बहुत जलील किया गया है, आखिरी बात बोल रहा हूँ, हमें बहुत जलील किया गया है, हमें बहुत रुसवा किया गया है, हमारी बहुत बेइज्जती की गई है, हमारी बहनों बहनों के साथ बहुत ज्यादा की गई, हम उसका बदला लेंगे, हम उसका बदला लेंगे। सुन ले,
सारी दुनिया के ताकती ताकतों के चलवे चाटने वालों मेरी आंखों में देखो और सुन लो, हम तुम्हें निस्त नाबूद करके दम लेंगे, हम तुम्हें शिकस्त देंगे। हमला किया गया है और बताया ये जा रहा है कि पंजाब पुलिस इस हमले में इन्वॉल्व है। पहले एक जगह पे उनको हमला किया गया, फिर जब वो सेकंड एक चेक पोस्ट के पास पहुंचे तो वहां पे, और ये भी बता रहे हैं कि उसमें तीन लोग एक गाड़ी समेत गायब हैं जिनका अभी तक पता नहीं है, और थर्ड जब वो डीए खान पहुंचे हैं तो वहां पे उन पे एक और हमला किया गया जिसमें कुछ लोग और जख्मी हुए हैं। बहुत ही तश्वीशनाक ये बात है। ये पाकिस्तान लगता है कि जंगल का कानून उस मुल्क में बन गया है और हम इसको यहाँ पे बैठ के बड़ी तश्वीश के साथ बहुत पुरजोर तरीके से कंडेम करते हैं और वहां की हुकूमत और फौज के डिमांड करते हैं कि इन चीजों को देखा जाए, रोका जाए। दिस इज नॉट व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट। उसे पूरी दुनिया भी मिलके मारने की कोशिश करे, नहीं मार सकता। जिसे अल्लाह मार दे उसे कोई बचा नहीं सकता। जिसे अल्लाह जिल्लत दे, तुम जैसी घटिया कमीनी कातल जालिम चोर, तुम औरत, तुम सर्जरियां करवाने वाली औरत, तुम्हारे लिए इतनी को बद्दुआएं हैं, हमारे पास इतनी को बद्दुआएं हैं ना कि तुम्हें अगर उसमें से एक भी टच कर लेना तो खुदा की कसम क़यामत तक तुम्हारी नस्लें हूं तो सही, लेकिन वो बंदर बनी हुई हूं। तुम जानवरों से भी बदतर हो, तुम जान लो। तुमने फरमाइशी कत्ल कराया हमारे अशरफ भाई का, तुमने क्या समझा पिखान साहब तक पहुंचना जो है वो रब नहीं पहुंचने देगा, रब नहीं पहुंचने देगा। हमारे खौफ के बुत टूट चुके, कब से टूट चुके। और अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बिलीव करता है हमारे अदारों में तो अच्छे तरीके से जान ले, जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता। ना मारना चाहे उसे पूरी दुनिया भी मिलकर मारने की कोशिश करे, नहीं मार सकता। जिसे अल्लाह मार दे उसे कोई बचा नहीं सकता। जिसे अल्लाह जिल्लत दे, तुम जैसी घटिया कमीनी कातल जालिम चोर, तुम औरत, तुम सर्जरियां करवाने वाली औरत, तुम्हारे लिए इतनी को बद्दुआएं हैं, हमारे पास इतनी को बद्दुआएं हैं ना कि तुम्हें अगर उसमें से एक भी टच कर लेना तो खुदा की कसम क़यामत तक तुम्हारी नस्लें हूं तो सही, लेकिन वो बंदर बनी हुई हूं। तो आपने वीडियो में देखा भाई कैसे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुसलमान का दुश्मन हो चुका है। पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान में रहकर आजादी के नारे लगा रहे कि हम लेंगे आजादी, हमें चाहिए आजादी। दोस्तों ये वही पाकिस्तानी देश है, ये इस्लामिक देश है जो कलमे के नाम पे बना था और भारत से ये बोल के आजाद हुआ था कि भैया हमें जो है तरक्की करनी है तो हम इंडिया के साथ रहकर तरक्की नहीं कर सकते, हम अलग देश बनाएंगे वहां जाके तरक्की करेंगे। दोस्तों आज वही पाकिस्तान के अंदर भाई जनता को आर्मी के द्वारा पीटा जा रहा है। आपको पता होगा आर्मी कभी से ही पाकिस्तान के अंदर खूब मौज लेती आई है, आर्मी ने पूरे पाकिस्तान को लूट खाया है। बाहर से जो फंडिंग मिलती है आर्मी उसको लूटती है, खाती है, बड़े मजे से रहती है। पाकिस्तान के मंत्री बड़े मजे में रहते हैं लेकिन जो वहां की जनता है उसकी भाई ऐसी की तैसी हुई रखती है। जो कि आपने वीडियो में देखा है कैसे पाकिस्तान के लोग चिल्ला रहे, छोटी सी बच्ची को लेकर हाथ में चिल्ला रहे, वह औरत बद्दुआ दे रही है। बद्दुआ इंडिया को नहीं दे रही है, बद्दुआ खुद के ही मुस्लिम भाइयों को, अपने ही देश की सरकार को, अपनी देश की आर्मी को। वह पाक आर्मी जिसके पाकिस्तानी पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाते थे उसी को गलियां दे रही है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये सिनेरियो चल रहा है भाई, इसकी नौबत कैसे आई, क्यों ये सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर आई, आप क्या सोचते हो इन जाहिलों के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय श्री।